नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेस्कटेक चैनल पे। दोस्तों, अगर आज आपको बिजी सॉफ्टवेयर से जीएसटी रिटर्न भरना है तो आप किस तरह भर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आपको भरना है जीएसटी आर 3B रिटर्न। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है जीएसटी रिटर्न में और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसे जीएसटी आर 3B कहा जाता है। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जीएसटी आर 3B ई रिटर्न। तो इन दोनों ऑप्शन में से पहले ऑप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, जैसा कि मैं यहाँ फिल करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो सेल है और हमारा जो टैक्स है वो दिख रहा है यहाँ पे। हमारी सेल है 19,77,000 और हमारी जो टैक्स है वो 49,000 CGST और 49,000 स्टेट टैक्स। उसके बाद दोस्तों, हमारी जो ITC एलिजिबिलिटी है वो है 1,706 रुपीज़। तो दोस्तों, सिर्फ जिस जिस कॉलम में जितनी रकम लिखी हुई है सेम आपको जीएसटी पोर्टल पे 3B में उतनी उतनी भर देनी है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप सीधा इसमें से देख के आप पोर्टल में भर सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ से आप जीएसटीआर ई रिटर्न से आप एक्सेल शीट चाहे टेम्पलेट में चाहे भर सकते हैं, चाहे एक्सेल शीट प्रिंट कर सकते हैं, वो भी आप उस गवर्नमेंट के टूल में अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप CSV फाइल भी गवर्नमेंट के टूल में अपलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास बिजी लाइसेंस वर्जन है तो यहाँ पे आपको जेसन ऑप्शन भी मिल जाएगा, और उस जेसन फाइल को आपको सीधे सीधे आपको गवर्नमेंट के पोर्टल में अपलोड कर देना है। तो धन्यवाद दोस्तों।